गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम योर साइंस टीचर सत्य भामा फ्रॉम हैप्पी कैमरे स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को लेसन 5 के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको रिवाइज करवाऊँगी, क्योंकि कल मैं इन क्वेश्चंस का टेस्ट लूँगी। आई नो बच्चों आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप उनको भी तैयारी करें, इसलिए मैंने सिर्फ गिनती के 4 क्वेश्चंस, बच्चों आप देख सकते हैं मैंने आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस ही दिए हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज माइग्रेशन, यानी कि माइग्रेशन क्या होता है, ये क्या अवस्था होती है बच्चों, जिसमें पक्षी क्या करते हैं, अपनी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं, पर वो ऐसा क्यों करते हैं, आखिर मतलब वो क्या है, क्या होता है माइग्रेशन। तो देखेंगे क्या है, When the birds travel long distance, यानी कि जब पक्षी एक लंबी यात्रा करते हैं, ठीक है, यात्रा करते हैं एक लंबी दूरी तक, in search of food, यानी कि वो खाने की तलाश में, and favorable environment, यानी एक ऐसा वातावरण जहाँ पर जो उनके लिए क्या हो, उपयोगी हो, या जिसमें वो रह सकें, ऐसी कंडीशन में जाते हैं, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। यानी कि माइग्रेशन बच्चों वो अवस्था होती है जिसमें एक पक्षी अपने घर को छोड़ता है, एक जगह को छोड़ता है, दूसरी जगह जाता है दूर, जहाँ पर उसे आसानी से खाना मिल सके, साथ ही साथ उसे एक ऐसी जगह मिल सके जहाँ वो रह सके। सपोज जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, तो कुछ समय के लिए वहाँ से पक्षी यहाँ हिंदुस्तान में आ जाते हैं, और कुछ पक्षी यहाँ से ऐसे होते हैं जब यहाँ का वातावरण उनके अनुकूल नहीं रहता, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ को छोड़कर दूसरी जगहों पर उड़कर चले जाते हैं, तो इसी अवस्था को माइग्रेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, व्हाई डू बर्ड्स मेक अ नेस्ट, यानी कि आपने देखा है पक्षी घर क्यों बनाते हैं, जैसे हम घर बनाते हैं ऐसे पक्षी भी बनाते हैं, पर क्यों बनाते हैं, तो उसका रीज़न है द बर्ड्स मेक अ नेस्ट टू ले देयर एग्स एंड यंग वंस, यानी वो घोंसला इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपने अंडे दे सके और वहाँ पर जो उनके बच्चे पैदा हुए हैं वो वहाँ पर रह सके, मतलब उनके उनके लिए वो घर बनाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई इज कुकू कॉल्ड अ लेजी बट क्लेवर बर्ड, आखिरकार क्यों कुकू को जो एक लेजी यानी कि आलसी, बट उसे एक चतुर पक्षी कहा जाता है, क्यों, रीज़न क्या है इसका, रीज़न ये बिकॉज इट डज नॉट मेक इट्स ओवन नेस्ट, कहने का मतलब ये कि ये खुद का अपना घर घोंसला नहीं बनाती, बट लेज इट्स एग इन अ क्राउज नेस्ट, और वो क्या करती है, अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती हैं, यही वजह है बच्चों की वो क्लेवर हैं, और इस रीज़न की वजह से उसे हम लेज़ी कहते हैं, वो अपना घोंसला नहीं बनाती इसलिए वो लेज़ी। अगर आपसे कोई पूछे कि कुकू क्यों लेज़ी है, तो आप सिंपल कह सकते हैं बिकॉज इट डज़ नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, यानी कि वो अपना खुद का घर नहीं बनाती है। अगर आपसे कहा जाए कि वो क्लेवर क्यों है, क्लेवर इसलिए बिकॉज इट लेज इट्स एग इन अ क्राउन नेस्ट, यानी कि वो कौवे के घोंसले में अंडे देते, इसलिए वो चालाक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू द पेरेंट बर्ड ब्रिंग फूड फॉर द न्यूली हैचेस बेबी बर्ड्स, क्यों जो माता पिता पक्षी होते हैं वो अपने छोटे जो बच्चे पैदा हुए हैं, जो भी अंडे में तुरंत निकलते हैं, उनके लिए क्यों लेकर आते हैं खाना, तो रीज़न क्या है, बिकॉज दे हैव नो फीदर्स, उनके पास पंख नहीं होते, होते बट ऐसे पंख नहीं होते कि वो उनसे तुरंत उड़ सके, दे कैन नॉट सी एंड टू वीक टू फ्लाई, क्योंकि वो देख नहीं सकते और उड़ने के लिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, यही रीज़न है बच्चों कि जो पेरेंट्स बर्ड्स होते हैं वो अपने हैचेस बेबीज़ के लिए क्या लेकर आते हैं, न्यूली हैचेस बेबीज़ के लिए क्या लाते हैं, वो खाना लेकर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने आपको सिर्फ साइंस में लेसन 5 में थर्ड क्लास सिर्फ 4 ही क्वेश्चन दिए हैं, आप सब बच्चे लेसन 5 से दिए हैं, आप सब बच्चों के 4 क्वेश्चन लर्न करने हैं, कल इनका मैं टेस्ट लूँगी। आज के लिए इतना ही क्लास, थैंक यू।